गुलाबो, ये बैग उठा के कहाँ चली तू? मैं अपने मायके जा रही हूं जी। अभी कल ही तो तू अपने मायके जाके आई है, अब मायके क्यों जा रही है? अब की बार में हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर जा रही हूं अपने मायके, समझे? मगर क्यों गुलाबो, ऐसी क्या बात हो गई? वो जो तुम्हारी माँ है ना, वो ना तो मुझे चैन से जीने देगी और ना ही चैन से इस घर में रहने देगी। सुबह उठते ही कुत्ते की तरह भौंकने लग जाती है कि बहू बेटा फोन छोड़ दे, घर का काम कर ले। मुझे तो जैसे ना इस घर में नौकरानी बना के ला रखा तुम लोगों ने। अब मैं फोन पे फेसबुक और व्हाट्सएप भी ना चलाऊं, आपको पता है ना मैं इन दोनों के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती। गुलाबो, माँ सही तो कहती है, अब तू खुद सोच। तू तो सारा दिन फोन पे लगी रहती है और माँ बेचारी घर का काम करे, ये कोई अच्छी बात है क्या? आपको ना ज्यादा चू चपड़ करने की कोई जरूरत नहीं है जी, वरना जाते जाते ना मेरा आप पे हाथ उठ जाएगा, माँ का गुलाम कहीं का। गुलाबो, ये छोटी मोटी बातें घर में होती रहती है, इनकी वजह से घर नहीं छोड़ना चाहिए। गुलाबो, अगर तू घर छोड़ के चली गई, कभी तूने सोचा है मेरी माँ की, बाबूजी की कितनी बदनामी होगी गांव में? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू अंदर चली जा। बेइज्जती हो तो हो, चाहे 100 बार हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। और वैसे भी बेइज्जती होगी ना तो आपकी होगी, आपकी माँ की होगी, आपके बाप की होगी, आपके खानदान की होगी, मेरी नहीं। गुलाबो, मैं प्यार से कह रहा हूं, मान जा, वरना 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 क्या कर लेगा तू, अनपढ़ गवार कहीं का? अब अपने मुंह से ना एक शब्द भी मत निकालियो, समझा? वरना तेरी दोनों टांगे तोड़ के ना तेरे हाथ में दे दूंगी। और अब कान खोल के सुन ले, मैं अपने मायके जा रही हूँ और 5 दिन बाद ना तुझे तलाक के कागज भेज दूंगी, उन पे साइन करके वापस भेज देना, समझा? गुलाबो, मैं तेरे पैर पकड़ता हूं, मत जा तू। तेरी इतनी हिम्मत, अब तू मुझे रोकेगा? गुलाबो, मेरा कहना मान ले, तू मत जा, मैं माँ को समझा दूंगा। चल अब तू घर चल। तेरी माँ चाहे किसी कुएं में डूब के मरे, मुझे उसे कोई लेना देना नहीं, समझा? गुलाबो, 2 मिनट रुक। सियाणे लोगों ने, बड़े बुजुर्गों ने सही कहा है कि लातों के भूत बातों से मानते ही नहीं है। चल अब घर चल। हे गुलाबो, इधर आ वापस। क्या हुआ जी? ये बैग तेरा बाप लेके जाएगा, उठा इसको सर पे। चलो अब घर। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हम अपनी वीडियो में हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन एक औरत होने के नाते जो मैंने अपने पति के साथ किया वो बिल्कुल गलत किया। हमें कभी भी अपने पति और परिवार के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमेशा एक आज्ञाकारी और अच्छी बहू बने, खलनायक का बहू ना बने। हम जो ये वीडियो आपके लिए बनाते हैं, इसमें हमारा सिर्फ यही उद्देश्य होता है कि आप तक
शुद्ध पारिवारिक सामाजिक संदेश जाए और आपका मनोरंजन होता रहे। अगर इन्हीं वीडियो में अगर आपको ये लगे कि हमसे कोई त्रुटि होती है, हम कहीं गलतियां करते हैं या हमारी वजह से आपका दिल दुखता है, तो हम दिल से आपसे माफ़ी मांगते हैं। और अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब के साथ जो एक छोटी सी बेल आइकन है ना, उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।